नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक ओर जहां यूपी सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाकर कोविड संक्रमण रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं ताज नगरी आगरा में लॉकडाउन का हाल बेहाल है। यहां लोग जहां तहां सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं, और जब प्राइम टीवी की टीम ने लॉकडाउन का रियलिटी चेक किया तो रियलिटी चेक के दौरान सड़कों पर लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करते हुए नजर आए। रियलिटी चेक के दौरान सड़कों पर लगभग साधारण दिनों की तरह ही भीड़भाड़ नजर आई। आपको बता दें कि ये नजारा कहीं और का नहीं, आगरा के जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय के नजदीक का ही है, जहां पर लॉकडाउन का कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आया और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी इन कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक तरफ जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं ताज नगरी में लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम दिनों की तरह ही लोग सड़कों पर घूमते नजर आए हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ा सवाल यह है कि पुलिस बिन आने जाने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आई है। को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए प्राइम टीवी टीम ग्रैंड जीरो पर जो रिपोर्टिंग कर रही है, हम आपको पीछे का नजारा दिखाते हैं। इसी तरीके से यहां पर वाहनों का आवागमन लगातार जारी है और यहां पर बड़ी भारी मात्रा में लोगों को कोरोना का कोई डर नहीं है, लगातार लोग निकल रहे हैं। आप चार पहिया वाहन में भी देख सकते हैं, जिस तरीके से जो गाइडलाइंस का प्रयोग किया गया था उसमें कहा गया था कि एक वाहन में केवल दो लोग आधी क्षमता के अनुसार जो बैठेंगे उसी तरीके से यहां रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। जो आज हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं ये जिलाधिकारी प्रांगण के बाहर की है, जहाँ जिला है ये नज़ारा, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लॉकडाउन में भी लगातार यहाँ वाहनों का आवागमन जारी है। कोई कोई व्यक्ति तो यहाँ ऐसा भी दिखाई देता है जो बिना मास्क का प्रयोग करते हुए सड़क से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए कोरोना करने वाले लोगों को रोकने के लिए समझाने के लिए तो यहाँ पर कोई भी पुलिसकर्मी या प्रशासनिक अधिकारी कोई भी मौजूद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो इस समय देखने को मिल रही है। इससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि कोरोना को जो चैन तोड़ने की कड़ी का प्रयास किया जा रहा है वो यहाँ संभव नहीं होता। आगरा से अमित शर्मा। रुक करते अगली खबर की ओर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर फिलहाल आजमगढ़ शहर में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ आम दिनों की तरह लोगों का हुजूम सड़कों पर लगा रहता है। शहर के कुछ दुकानदार लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का इनसे दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। गौरतलब है कि समूचे प्रदेश में 10 मई तक का लॉकडाउन लगा है। इस दौरान केवल जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की छूट है, ताकि लॉकडाउन के चलते लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और आमतौर पर प्रतिदिन पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त लगाकर लोगों को लॉकडाउन के प्रति हिदायत दी जा रही है, लेकिन पुलिस के जाने के बाद फिर से सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आने लगती है। इसके चलते क्षेत्र में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने का डर सताने लगा है। तो आजमगढ़ से खबर बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन लोग सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे। आपको बता दें कि आम दिनों की तरह लोग सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं, हालांकि पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती नजर आ रही है और ये भी बता रही है कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम दिनों की तरह आजमगढ़ में लोगों का हुजूम सड़कों पर लगा दिखाई दिया है। शहर के कुछ दुकानदार आधा शटर खोले दुकानदारी करने में लगे हुए हैं। वहीं प्रदेश सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का दूर दूर तक कोई मतलब इन लोगों को नहीं है। वहीं गौरतलब है कि प्रदेश में 10 मई तक का लॉकडाउन लगा है। इस दौरान केवल जरूरी सामानों की दुकानें खोलने की छूट है, ताकि लॉकडाउन के चलते लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और आमतौर पर प्रतिदिन पुलिस प्रशासन द्वारा गश्त लगाकर लोगों को ये हिदायत दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। वहीं खबर जालौन से है, जहां एक सदर विधायक व प्रशासन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी होने की बात से लगातार इनकार कर रहे थे, तो वहीं जिला प्रशासन व सदर विधायक के दावों की पोल खोलता एक वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में विधायक के सामने एक व्यक्ति ने अपनी मां को ऑक्सीजन न मिलने से मौत का दुखड़ा दोहराया। आपको बता दें कि विधायक ने पीड़ित की मदद करने की जगह कैमरा बंद करने के लिए कहा, तो वहीं विधायक के इस कृत्य से
जिला प्रशासन व सत्ता पक्ष के लोगों की आपसी मिलीभगत उजागर हुई है कि वो मेडिकल कॉलेज को कमियों को दूर करवाने की जगह विधायक कमियों को छिपाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में कोरोना के उपचार के लिए सेक्टर टीमों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में कोविड 19 के रोगियों को समुचित उपचार उपलब्ध कराए जाने के लिए जिले को 24 सेक्टर में बांटा गया है। प्रत्येक सेक्टर में प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी की 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। यह टीम अपने सेक्टर में स्थित कोविड हॉस्पिटल में कोरोना रोगियों की सीधी भर्ती कराना सुनिश्चित करेगी। अर्थात प्रति 100 टेस्ट में 30 व्यक्ति पॉजिटिव आ रहे थे, अब ये संक्रमण का दर घट करके 9 आ गया, अर्थात प्रति 100 टेस्ट में 9 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं और ये संक्रमण का दर कम होता जा रहा है और साथ ही साथ हमारी टेस्टिंग की संख्या भी पर्याप्त मात्रा में हो रही है। हमारी 200 लगभग RRTs मोबाइल होकर के टेस्टिंग कर रही है, इसके अलावा 100 से अधिक स्टडी कर सकते हैं, 100 टेस्टिंग कर रही है। इसके साथ ही साथ 100% प्रोटोकॉल को फॉलो जाकर के मेडिकल किट जो है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पूरे देश में इलाज के लिए बेड कम पड़ गए हैं। मरीजों को अस्पतालों से वापस किए जाने के कई मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बेडों की कमी पूरी करने के लिए अस्पताल में डेंट लगाकर इलाज किया जा रहा है, जिस पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अभय सिन्हा से जानकारी ली गई है। तो उन्होंने बताया कि बाहर टेंट मरीजों के गेस्टों के लिए खाने पीने व ठहरने के लिए लगाया गया और यह भी बताया है कि तंबू में मरीजों को प्रथम उपचार दिया जाता है, उसके बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और मेडिकल कॉलेज में कम जगह होने पर मरीजों का उपचार टेंट और तंबू में किया जाता है। लेकिन अस्पताल की हालत देखकर तो लगता है कि जहां एक ओर योगी आदित्यनाथ द्वारा ये कहा गया था कि अस्पतालों में लापरवाही करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यहाँ के अधिकारियों में जरा सा भी शासन और प्रशासन का डर नहीं है। सर्ज ऑफ मरीज आ रहे हैं, उनके जो तीमारदार हैं उनके लिए बैठने के, रहने के, खाने की उचित व्यवस्था की जाए, इसी के संदर्भ में ये टेंट लगाए गए ताकि जो मरीज तीमारदार रह रहे हैं उनको बैठने और खाने पीने की। सोनभद्र में जहां एक तरफ कोरोना वायरस जैसी महामारी ने तबाही मचा रखी है, वहीं कुछ लोग कोरोना से अनजान नजर आ रहे हैं। प्रशासन दिन रात एक करके इसके रोकथाम के लिए नए नए तरीके अपना रहा है, वहीं पब्लिक कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में असमर्थ नजर आ रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र में थाना प्रभारी देवतानंद सिंह के द्वारा टीम बनाकर रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन लोग प्रशासन की गाइडलाइन मानने में असमर्थ हैं। तो सोनभद्र से खबर बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार कोविड केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, लेकिन उधर लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। प्रशासन दिन रात एक करके कोरोना रोकथाम के लिए नए तरीके अपना रहा है, वहीं पब्लिक कोरोना गाइडलाइन का पालन करने में लगातार असमर्थ नजर आ रही है। सोनभद्र में थाना प्रभारी देवानंद सिंह द्वारा टीम बनाकर रोकथाम के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन लोग प्रशासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। रामपुर से जमीनी विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक युवक के चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो खबर रामपुर से, जहां पर जमीनी विवाद का एक मामला सामने आया है। यहां पर युवक के चचेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी और गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। रामपुर के मजरा ग्राम प्रधान के सीट प्रत्याशी रामबाबू ने रिकाउंटिंग करने की मांग की है। उन्होंने बताया है कि वो अपनी ग्राम पंचायत से जीत गए थे, लेकिन जब सर्टिफिकेट मिलने की बात आई तो अधिकारियों ने हारे हुए प्रत्याशी को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। रामबाबू के पक्ष का आरोप है कि हमें साठगांठ करके हराया गया है। तो वहीं इस पर गांववासी राजेंद्र का कहना है कि प्रत्याशी रामबाबू के साथ बहुत इंसाफी हुई है, हम चाहते हैं कि मतगणना की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि गलत कौन है और कौन सही है। आज यूजी में अंदर रेखा बहुत बहुत जाती हुई है, बारह फूटा गया है और हारते हुए प्रत्याशी गया है। ठीक है,
हमारा जो पोलिंग हुआ था 3369 का पोलिंग हुआ था, जो वोट दिखाए गए हैं 3304 वोट दिखाए गए। आपकी तरफ कौन प्रत्याशी कौन थे? पिताजी हमारे पिताजी थे। क्या नाम है? तो क्या अंतर आया दोनों? अंतर होता है 265 वोटों का अंतर है। खबर शाहजहांपुर से। वैसे तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पत्रकारों के उत्पीड़न को लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया करते हैं, फिर भी पत्रकारों को धमकियां दी जाती हैं। जी हां, शाहजहांपुर जनपद के गांव चमरा बोझी का पूर्व प्रधान पति निर्मम सिंह ने एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पत्रकार ने प्रधान के कारनामों की खबर प्रकाशित की थी, जिस पर प्रधान पति बौखला गए और फोन कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली, क्योंकि इन्हें न शासन का डर है और न ही प्रशासन का। फिलहाल इस धमकी भरे ऑडियो से पीड़ित पत्रकार का परिवार सहमा हुआ है कि कहीं कोई घटना न घटित हो जाए। फिलहाल पुलिस को शिकायत पत्र देकर पीड़ित पत्रकार ने कार्रवाई की गुहार लगाई है, लेकिन इस पूरे मामले की तहरीर पर पुलिस ने पत्रकार को आश्वासन दिया कि दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पूरी घटना में पत्रकारों ने यह भी कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम सब एकजुट होकर जिलाधिकारी से भी शिकायत करेंगे। मैं ग्राम पंचायत चंद्रा बोझी का रहने वाला हूँ। जो पूर्व प्रधान पति निर्मल सिंह लगातार हमें धमकियाँ देता रहा है और जान से मार देने की धमकियाँ मुझे मिलती रही हैं, फ़ोन पे भी धमकियाँ दी। जब मेरे चाचा कल अपनी जमीन का पट्टा लेने के लिए घर से पहुँचे तो उसने मुझे बोला कि उसको बोलना कि फ़ोन करे और मुझसे बात करे। जब मैंने उससे कारण पूछा कि क्यों आप आकर मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तो उसने मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरे खिलाफ झूठी खबरें चलाता है और मुझे जान से मारने की धमकी मिलती रही है। सोनभद्र से गौहत्या का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव जीतने की खुशी में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान ने गौहत्या करवा दी, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पकड़ लिया है, जिनके पास से घटना में शामिल हथियार भी बरामद हुए हैं। इस घटना की सूचना बीजेपी कार्यकर्ता बजरंग दल विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं को भी मिल चुकी है, जिसके बाद उन्होंने इलाके में खूब हंगामा किया है। बरवाखर पहाड़ी थाना कोन अंतर्गत अकरम अली के मकान में गोकसी की सूचना प्राप्त हुई थी और इस सूचना के आधार पर थाना कोन की पुलिस ने वहां पर छापा मारा और छापे के दौरान वहां पर अकरम अली सहित 3 उसके सहयोगी मौके से गिरफ्तार किए गए। गोवंशीय पशु का मांस बरामद हुआ, काटने के औजार प्राप्त हुए और उनसे पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि गांव के ही एक व्यक्ति ने, जो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ है पंचायत चुनाव उसमें विजेता रहा था और उसने दावत के लिए। मैनपुरी के बेवर पुलिस के हाथों बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस सहित कई अन्य चीजें भी बरामद की। आपको बता दें कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। तो मैनपुरी से ये खबर बता रहे जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस ने पकड़े गए बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस सहित कई अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। साथ ही पकड़े गए बदमाश के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आज थाना बेवर पुलिस द्वारा बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। एक अपराधी जिसके ऊपर लूट 307 और इस तरह के कई जघन्य अपराध सहित 21 मुकदमे दर्ज हैं और ये मुकदमे 4 जिलों में हैं, एटा, कन्नौज, फर्रुखाबाद तथा मैनपुरी। इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ये कितना साथी बदमाश था। इसको पकड़ा गया है, ये 2 मुकदमे वांछित था, एक 307 का मुकदमा देवर थाने में था तथा एक सिसनी में। इसकी तलाश काफ़ी दिन से हम लोगों को थी, काफ़ी प्रयास किया गया। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।